गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो मैं जा रही हूँ अर्ली मॉर्निंग, सुबह मध्य प्रदेश। सो ओरछा एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे मैं जा रही हूँ। एंड मेरी ट्रेन है, गतिमान एक्सप्रेस है। मेरे साथ है अंशुम जी। मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैं क्यों जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग, अभी बताती हूँ आपको। एंड मेरे साथ जा रहे हैं मुझे ड्रॉप करने। सो बेसिकली मेरी ऑन मेन्यू ब्राइड है, जो ब्राइडल मेकअप आया हुआ है हमारा ऑन मेन्यू। आपने देखा होगा उर्वशी जिम कॉर्बेट गई हुई है, मैं यहाँ जा रही हूँ। सो हम ऐसे मैनेज करते हैं। एंड ऑल्सो सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, आप देख सकते हो लाइक ऐसे हल्का हेजी है। फॉग इतनी नहीं है बट हल्का सा हेजी है। एंड मैं तो कह रही थी मैं कैब में चली जाती हूँ, बट अंशुम जी कहते कि मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ, वो कहता नहीं मैं ड्रॉप कर देता हूँ। एनी वेज पास में लाइक 25 मिनट, हाफ एन आवर की ड्राइव है। सो मैं जा रही हूँ अपनी एक टीम मेंबर के साथ। सो बेसिकली एक हेयर स्टाइलिस्ट है मेरे साथ, फीमेल हेयर स्टाइलिस्ट, हम दोनों जा रहे हैं। 2 दिन का ट्रिप है एंड आपको भी दिखाएंगे अपनी जर्नी। ऑल्सो मैं तो चाह रही थी अंशुम भी मुझे ज्वाइन कर ले, लेकिन अंशुम का काम था, लाइक उसका कोई ऑर्डर आया हुआ था, तो इसीलिए वो ये वाला वीक थोड़ा बिजी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करती हूँ। एंड आज भाई बंदे ने मेरी हेल्प भी करी है, लाइक जैसे बाहर का खाना अवॉइड कर रही हूँ। सो ट्रेन की जर्नी है, सो ट्रेन में भी मिलेगा हमें खाना, लेकिन मैं अवॉइड करूँगी ट्रेन वाला खाना। सो बस सैंडविचेस बनाए, फिर हमने सुबह फटाफट लाइक लिटरली 5 मिनट में अंजुम ने खीरा टमाटर प्याज काटा, मैंने उसमें फटाफट से ऐसे मेयोनीज चीज और केचप लगाई ब्रेड पे, ऐसे हमने सैंडविचेस बनाए। तो हमने कहा कि ना थोड़े से एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, कुलदीप भी है मेरे साथ। सो ऐसे हमने वो करा, टीम वर्क। स्टेशन के बाहर सुबह भी भाई 7 बजे भी दुकानें खुली हुई हैं। सो गाइस ट्रेन आ चुकी है, सामान वामान हम रख चुके हैं अंदर एंड बस चलने वाली है। फिर बाय बाय। अच्छा, मतलब पहुंच के फोन करूं, रास्ते में ना फोन करूं तुझे? रास्ते में अच्छा, इसने भविष्यवाणी कर दी है कि ट्रेन डिले होनी है, क्योंकि 2-3 दिन से हो रही है फॉग के चक्कर में ना, डिले फॉग की वजह से डिले हो रही है। तो कितने घंटे होगी वो नहीं पता यार, नहीं होनी चाहिए यार प्लीज, ट्रेन डिले नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं, नो होगी। चुप कर यार, ये देखियो होगी नहीं होगी हमारी ट्रेन डिले, लेट्स बी पॉपकॉर्न ले लिए, सामान खरीद रहा है भैया के साथ, थैंक यू। चलो ओके, सो साक्षी को कर दिया है मैंने ड्रॉप, ट्रेन जाने का ऑलमोस्ट टाइम हो गया था, मतलब 5-10 मिनट बचे हुए थे, तो हम मैं निकल ही आया बिकॉज गाड़ी भी मैंने ऐसे ऑन रोड खड़ी कर दी थी, क्योंकि आपको पता है रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग मिलना कितना मुश्किल होता है। बस अब मैं निकल गया हूँ, घर जा रहा हूँ और टाइम हो गया है 8, मतलब 10 मिनट में उसकी ट्रेन निकलने वाली है। और मैं काफ़ी लेट सोया था, 4:30 बजे करीब सोया था और अभी 8 बज गए। नींद तो बहुत आ रही थी बट अभी क्योंकि ठंड बहुत है बाहर, तो मैं फ्रेश हो गया एकदम, हवा जब पड़ी है ना मुँह पे ठंडी, मैं फ्रेश हो गया, तो मैं सोचा जिम चला, बाकी घर पहुंच के डिसाइड करता हूँ, क्योंकि घर में पहुंच के एग्जैक्टली पता लगेगा कि मेरी हालत कैसी है, कि मैं जिम जाने लायक हूँ या नहीं। सो बस अब साक्षी आपको दिखाएगी अपनी जर्नी झांसी की और वो वहाँ पे क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। सो अंशुम चला गया एंड मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, बस चलने ही वाली है एंड मैं मिलवाती हूँ आपसे। सो गाइस मीट कुलदीप, ये हमारी हेयर स्टाइलिस्ट है, शी इज अ फ्रीलांसर हेयर स्टाइलिस्ट बेसिकली एंड शी इज वेरी 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 टैलेंटेड। थैंक यू मैम। एंड बस और हम दोनों का ऐसे वो बन गया, जोड़ी नहीं होती तो हमारी जोड़ी बन गई है। एंड मैं चाहती थी कि मेरे साथ कोई फीमेल ही जाए, यू नो ऐसे तुम आराम से कंफर्टेबली होता है, तुम्हें रूम भी एक होता है वहाँ पे, सो एवरीथिंग उस हिसाब से। आपके साथ फर्स्ट सफर है मेरा, फर्स्ट टाइम जा रहे हो मेरे साथ? हाँ जी मैम। नहीं नहीं मजा, देखो काम तो हो ही जाएगा, काम तो कर लेंगे, बाकी आराम से चल भी जाएंगे। स्टूडियो पे आते रहती हूँ पर अभी फर्स्ट टाइम आपके साथ है मेरा। नहीं आप तो पूरे फॉर्म में लग रहे हो सही में कुलदीप, देखो ध्यान से भाई, सुबह ये बंदा खूबसूरत लग रहा है ना। सो गाइस सुबह ये वही वाले सैंडविचेस है, फटाफट वाले, कुलदीप तो प्रॉपर वाले लेकर आई है, मैं तो देखो ऐसे बनाए हुए, आप टेस्ट करना तो आप टेस्ट कर लो, है ना। पहुंच चुके हैं गाड़ी ये री एंड देखो यहाँ पे क्यूटी, उसको बिस्किट खिलाए जा रहे हैं। ओह सो हेलो फ्रॉम
फ्रॉम झांसी ओरछा, झांसी ओरछा। हाँ, तो बेसिकली झांसी में हम लैंड हुए रेलवे स्टेशन में, एंड वहाँ से 20 मिनट है बस ओरछा हम पहुँच चुके हैं। हमारा होटल इस टाइप में, इट्स अ पैलेस, ओरछा पैलेस के नाम से, मतलब हम रूम में जा रहे हैं। हमारी हालत देख लो, पता क्या होता, ट्रेन में हम गए और यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, 01, बट हमारा रूम नंबर 217 है। यहाँ ही होगा, करो है, करो फर्स्ट तो कर ही दो, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं क्या कह रही थी कि हम ट्रेन में बैठे, हमने अपना वही सैंडविचेस खाए जो मैंने बनाए थे सुबह, इसने आलू वाले बनाए हुए थे, तो वो खा के हम लोग धूप, इतना शोर हो रहा था, है ना खुदी भाई, इतना शोर हो रहा था, बच्चे चुप ही नहीं हो रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, लिटरली मुझे अपना फोन से ऐसे करना पड़ा। आई थिंक हम गलत आ गए हैं कुलदीप, हम गलत कहीं और आ गए हैं ना। गाइस मिलते हैं, एक मिनट फिगर आउट करने दो। सो गाइस गलत आ गए थे हम, पता नहीं कहाँ ही आ गए थे, वापस जा रहे हैं, फिर बताते हैं, अपडेट देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली रूम्स ना प्रॉपर है, यहाँ पे हम भी डैग पता नहीं कहाँ ही चले गए थे, वो हॉल की तरफ चले गए थे, बस हम चल रहे हैं। बड़ा अच्छा है यार ये, है ना, रिजॉर्ट है, इट्स अ नाइस रिजॉर्ट, है ना। दो चाय कर दो। सो गाइस यहाँ पे अभी हम बैठे, हमारा रूम अभी हमें मिला नहीं है, सो उतनी देर में हम धूप सेकेंगे एंड चाय पियेंगे। सो मैं पी रही हूँ गुड़ वाली स्वादिष्ट चाय, साथ में मट्ठी खाऊंगी, कुलदीप भी आगे बिस्किट्स लेके, पर धूप सेक रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं वहाँ जाके, बिकॉज ट्रेन में तो मैंने वॉशरूम यूज़ ही नहीं किया भाई, मैंने पानी तक नहीं पिया, मुझे था जितना कम पानी पीऊँगी उतना अच्छा होगा मेरे लिए। सो अब मैं जाती हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप होती हूँ आराम से। भैया एक और कप चाय दे दो, एक और, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। अपडेट ये है कि मैं इस तरफ आ रही हूँ, मुझे चाहिए फेस पे धूप, हाँ वही तो। अपडेट ये है कि अभी भी मेरा रूम क्लीन नहीं हुआ है, सो हम एक और कप चाय पी रहे हैं, ये अपडेट है। सो रूम में तो आ गए थे, हमें रूम फाइनली मिल गया था, उसके बाद हमें थोड़ी देर रेस्ट भी करा, फ्रेशन अप हुए, मुंह वू फेस वॉश वगैरह सब कुछ किया, एंड ऑलरेडी 1.5-2 घंटे हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं लंच करने, लंच क्या 4 बजने वाले हैं, फटाफट से करके फिर यहाँ पे पूरा सेटअप करना है, बिकॉज ब्राइड का मेकअप हमारे रूम में ही हो रहा है। लाइक मैंने ब्राइड से बात करी तो आई वाज लाइक इट्स गोना बी मोर कन्वीनियंट अगर ब्राइड मेरे रूम में आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर 2 दिन तक सेटअप रहेगा फिक्स्ड, बिकॉज आज भी मेकअप है कल भी मेकअप है, बस हम लंच करने जा रहे हैं। आई थिंक मैं बाल अपने खोल ही लेती हूँ, बंद करके बड़े ऐसे चंपू वाली फीलिंग आती है कभी कभार ना। रूम कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे बेड्स है मेरा है कुलदीप का, एंड व्यू बहुत प्यारा है, मेन है कि इसका व्यू बड़ा अच्छा है। यहाँ पे सेटअप करेंगे एज इन ये वाली चेयर पे ब्राइड बैठेगी, मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगी एंड यहाँ पे मेरा पूरा सेटअप होगा, एंड बस ये है हमारा आज का काम, आज का दिन, एंड आपको अपडेट्स देते रहेंगे बीच बीच में कि चल क्या रहा है। ऑल्सो एक और चीज, मेरे ना यहाँ पे पिम्पल हो गया था, लाइक आई डोंट नो अगर दिख रहा है, इस एरिया पे मेरे पिम्पल हो गया था, और लिटरली मैंने उसको होना नहीं चाहिए वैसे पिंपल्स को, बट यार बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था वो, आई थिंक क्लिप्स में भी दिख रहा होगा, बट मैंने उसको फोड़ दिया, ऊपर ऐसे लिपस्टिक ओवरलाइन करके लगा दी। सो भाई मेरा लंच कुछ इस टाइप का है, मैंने हर एक चीज़ ली है, मतलब पनीर, कॉर्न पालक, आलू, मिक्स वेज, थोड़ी सी दाल, मतलब जितने भी आप ऑप्शन थे सब लिए, एंड ये कुलदीप का है। सो खाना खाया जा रहा है, तो दोस्तों पापड़ भी, लाइक रोटी एंड पापड़। हमारी प्यारी सी एंगेजमेंट ब्राइड रेडी हो रही है, अभी मैं साइड फेस दिखा रही हूँ, अभी फुल लुक बाद में दिखाऊंगी मैं, अभी आप बस इतना ही देखो। एंड वी ऑल्सो हैव अनदर पर्सन ओवर हियर, शी इज ऑल्सो वेरी स्वीट, शी इज टेकिंग केयर ऑफ द ब्राइड, हर चीज मैनेज कर रही है, वेरी गुड, अप्रिशिएट इट। एंड दैट्स इट, हम कुछ नहीं कर रहे, मैं बस इसे बैठी हुई, कुछ मेरा काम हो चुका है, वेटिंग फॉर अ हेयर, आई एम जस्ट हैविंग माय ब्लैक कॉफी एंड आई विल सी यू गाइस सून। तो गाइस मेकअप वगैरह सब हो ही गया, आपने देख ही लिया था, मुझे एक और चीज़ आपको दिखानी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ध्यान से देखना। ये हमारी ब्राइड देखिए, एंड यहाँ पे चल रहा है बिग बॉस, सो ब्राइड देख रही है बिग बॉस, वाह मतलब चिल सीन, नो टेंशन। तो गाइस अब आ चुके हैं, पता नहीं आवाज आ रही है नहीं आ रही, हम सेम होलियों में आ गए, पता है यहाँ पे सब लोग तैयार शुरू क्या है, मैं देखो एवरीबॉडी इज लाइक प्रॉपर रेडी, एंड हम लोग देख रहे हैं। अब ऑब्वियसली यार ब्राइड ने इतने प्यार से बुलाया था तो आना तो था ही, है
ना कुछ कहना चाहोगे कुलदीप? आना था, ब्राइड ने इतने अच्छे से बुलाया था हमें। आपने बहुत अच्छा, आप बहुत सपोर्टिव हो, लाइक कुलदीप ने बहुत हेल्प करी है मेरी। ये बंदा मेरे साथ पूरा टाइम मेकअप में भी खड़ा रहा, फिर हेयर में भी। थैंक्स टू यू, वेलकम मैम। तो गाइस मेरे साथ है अनीता जी, ये स्पेशली आगरा से आई है। 6 मेकअप, सारे पार्टी मेकअप्स इन्होंने करे हैं भाई, ब्राइड की सिस्टर, भाभी, मासी, ताई, चाची, जो भी एक्स वाई जी इन्होंने करे हैं। एंड नहीं, बहुत अच्छी और बहुत अच्छा लगा मुझे सच में आपसे मिलके, लाइक दिल से खुशी हुई, लाइक होता है कनेक्शन हो जाता है। मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी है। थैंक यू, मिलते रहना, ठीक है ना? गाइज ये है पीली मिर्च, मैंने पहली बार सुनी है, सबने सुनी है लाल मिर्च, लेकिन पीली मिर्च मैंने पहली बार सुनी है। भैया ये क्या मिर्च होती है प्लीज बता दो सबको। ओके, येलो पेपर, होल ब्लैक पेपर, यू नो, हाँ, दिस काइंड ऑफ दिस येलो पेपर। अच्छा येलो पेपर है, ओके। हम घर पे कहाँ खाते हैं पीली मिर्च, है ना? वाह, वेरी नाइस। चलो डालिए अपने, मैं भी डाल दे, थोड़ी सी और डाल देती हूँ। स्पाइसी, आई लाइक स्पाइसी फूड। थैंक यू सो मच। ये देख के मुझे वो मत करना जज, आई नो अंशुम जरूर जज करेगा ये ब्लॉग देख के, क्योंकि उसको पता है मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खा रही हूँ। एंड मैं बाहर का इतना खाती, खाना अलाउड नहीं है मुझे, लेकिन यार अब इट इज़ व्हाट इट इज़, अब खाना पड़ रहा है। सो भाई कुलदीप न्यू डिश लेकर आया, कुलदीप सबको बता दो क्या है। क्रीमी गुलाब जामुन। और अच्छा आपने खाए हैं, इन्होंने खा लिए ये बेटा पूरा सब कुछ खाया। क्या है ये? पान गिलोरी, क्रीम मलाई। और ये रह गया भाई, ये पता नहीं है। दोस्तों खाना पीना हो चुका है, अब हम जा रहे हैं रूम में, है ना? बहुत ठंड हो रही है, पता नहीं कौन थी बट जो भी था ठंड हो रही है, ये पता है मुझे। ये 12:30 हो रहे हैं एंड कल दोपहर की ब्राइड है, बस साथ हम कुछ कर ही नहीं पाए आज तो। पता नहीं कुलदीप, तो आजकल से पता ही लगा ना। हाँ जी, मतलब बिल्कुल करा क्या है हमने, पता नहीं। मेकअप करा, काम तो करा है पूरा, बट ठूसा है, खाया, एंजॉय किया, साथ साथ एंजॉय किया है। एंजॉय यार, एंजॉय तो हम कुछ भी में भी कर लेते हैं, मतलब अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे होंगे ना, अगर हम बिग बॉस भी देख रहे हैं उसमें भी हम लगता है हम एंजॉय कर रहे हैं। हम कंबल में अगर हीटर में आग भी सेक रहे हैं हम एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा होता है ना? ठीक है, ठीक है। चलो गाइस सुबह मिलते हैं आपसे, गुड नाइट। चलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सोच रहे होगे कि मेरा हुलिया कैसा है। भाई हम बाहर बैठे हैं पूल साइड, यहाँ पे ब्राइड की हल्दी हुई थी सुबह, एंड इतनी ठंड है ना, आज धूप ही नहीं पड़ी। हेलो, गुड मॉर्निंग। नींद आ गई थी, नींद बड़ी आई, हम रात में बेहोश हो गए थे ना, जाती रात को, और सुबह लेट ही उठे हैं। अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अब गाइस ब्रेकफास्ट देख लो आप हमारा, सो कुछ इस टाइप का है ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स खा रहे हैं एंड सब कुछ ही लिया है बेसिकली। ब्राइड का दिन का मेकअप है, ब्राइड को जल्दी रेडी होना है, इवनिंग फेयर है, तो बस मेकअप करेंगे। आई थिंक शाम को हम फ्री हो जाएंगे, फिर देखते हैं कि क्या करना है उसके बाद फ्री होके। लेट्स सी, क्या पता कहीं बाहर चले जाए घूमने। यहाँ पे पास में ही राम मंदिर है, आप लोग ही बता रहे थे गाइस, यहाँ पास में राम मंदिर है, और वो पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पे राम जी को राजा डिक्लेयर किया है। सो राजा राम मंदिर है, राइट? ऐसे ही कुछ है, बाकी देखते हैं अभी। लेट्स सी, फ्री हो गए तो चले रहे। भाई बहुत स्वाद चाय है, चाय अच्छी है। आज धूप नहीं निकली, सबकी हालत खराब है। थैंक यू, ये मसाला डाला हुआ है इसके ऊपर, तभी वो स्वाद है। तो गाइस ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड यहाँ पे ठंड के जो लपेटे पड़ रहे हैं ना, आज ब्राइड का फंक्शन यहाँ पे होने वाला है ओपन में। मतलब सही में ठंड में साला ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, मतलब शादी बंदा करे तो करे कब। सबसे बेस्ट चीज है क्लोज में। एंड एक और चीज गाइस, हमारी कीज अंदर रह गई है। भैया हमारे साथ जा रहे हैं मास्टर की लेके बुद्धा पैलेस में, यू नो वी स्टेइंग इन अ पैलेस। हम रील्स बना रहे थे, कितना वेट कर रहा हूँ वहाँ पे, मैं भूल ही गई थी कि हमने उनको बोला हुआ है, हम भूल गए थे भैया आपके बारे में। तो ये है हमारा कुछ अभी ऐसे बनाया हुआ इन्होंने, प्रॉपर ऐसे डिफरेंट कंसेप्ट है ना। एंड यहाँ पे कुछ ब्राइड्स के फंक्शंस होते हैं, सारे रूम्स ऑक्यूपाइड हैं। दिस इज आवर रूम, थैंक यू। सो गाइस भैया ने मुझसे पूछा कि किसके लिए ब्लॉग बना रहे हो, सो भैया बात हो ही चुकी है तो फिर चैनल तो सब्सक्राइब कराना बनता ही है ना। और भैया कह रहे थे हम ग्रुप में भेज देंगे और सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे बहुत सारे। कितने आ जाएंगे? मिनिमम 20-30 के समथिंग आ जाएंगे। 20-30 एक एक बूंद बूंद से पानी भरता है, ऐसे ही होता है ना? और क्या, सॉरी हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही होता है यार। धीरे 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 तुम करके ग्रो करते हो, है ना? हमारे लिए तो हर एक सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बात पे कर दो चैनल सब्सक्राइब।
हाँ हीटर बंद कर देते हैं। भाई हीटर चल रहा है रूम में, सो करते हैं बंद। ये लेते हैं, चलो भाई लेट्स गो। चलो भाई लंच टाइम, ब्रेकफास्ट आपने देख लिया था, लंच टाइम हो गया। मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम कोई वेकेशन में तो नहीं आए कुलदीप, मुझे कुलदीप कह रही थी कि मुझे रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। सच में नहीं मिलता, मेरे को खुद नहीं मिलता कि हम आराम से ऐसे बैठे हैं, जा रहे हैं, जी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, लंच का टाइम, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बस अब हम जा रहे हैं खाना खाने, घर पे खुद बना के खुद खाना पड़ता है, और यहाँ पर हम आराम से ले रहे हैं, मजे स्वाद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो बस अब हम जा रहे हैं, ब्राइड का फोन आया था कि वो हाफ एन आवर में आ रही है। सो पहले शाम के फेरे थे, लेकिन अब रात के ही फेरे हैं। सो अब हमारा काम शुरू हो जाएगा, अब मतलब 4-5 घंटे, अब से 4-5 घंटे गए हमारे, रात में ही मिलेंगे, अब खाने के बाद रात में ही मिलेंगे। यहाँ पे चल रही है शादी की तैयारियाँ, यहाँ पे होगा पूरा फंक्शन, खाना लग गया कुलदीप, रात को सुनो यही खाना है, रात में रात में आके फिर ठूसना है हमें क्या है। सो गाइस यहाँ पे बिकॉज ब्राइड आगरा की है, सो यहाँ पे आगरा स्पेशल थाली सजी हुई है, देख लो आप ये क्या थाली आई है भाई हमारे लिए, ऐसी शानदार थाली है, ड्राई हो रहा है, स्पेशल आगरा स्पेशल कड़ी, और ये पूड़ियाँ भी अच्छी है, आई थिंक ये बेड़ में पूड़ी है ना, ये मक्की की लग रही है मुझे, मक्की की पूड़ी पता नहीं क्या है, और साग के साथ ये रहा ना साग, और कौन है कौन पालक बोला था भैया ने, शायद बहुत टेस्टी है, इन लोगों ने बाहर से करी है, आगरा से ही ब्राइड है, वही से केटरिंग करी है। इतनी देर में कुलदीप की थाली आएगी, मैंने कहा शेयर कर लो, खाओ खाओ रिव्यू दो भाई कुलदीप, मस्त है ना, बढ़िया ना। सो भाई कुलदीप की भी थाली आ गई है, आई सच में खत्म ही नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कुलदीप ने कुछ चीजें तो निकाल के दे ही दी भैया को, इतना ही खा पाऊंगी मैं। एंड वहाँ पे है हमारे वही चाय वाले भैया जो कल थे, सो जाते हुए चाय भी लेंगे, एंड ब्राइड भी आने वाली है। यहाँ पे ना वो मिल रही है कुल्फी, कुलदीप बता रही थी कि कुल्फी है पत्तों पे, है ना, लाइक पत्तों के ऊपर, तो बताओ मैं कुल्फी नहीं खा सकती अभी तो नहीं खा सकती, ठंड भी देखो आप एक बार, बहुत ठंड है, हाथ एकदम ऐसे कुल्फी की तरह जम चुके हैं, अच्छा फील हो रहा है, फीलिंग इज वेरी नाइस, बड़ी ऐसी पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आ रही है। खाने की यहाँ पे दिक्कत है, खाना हमने पता ही आप सबको, खाना हमने पाला है, डाइटिंग सब भूल गए हैं, 2-3 किलो मेरा जब जाऊंगी 2 kg बढ़ गया होगा हमारा। सो गाइस चाय वहाँ से नहीं, हम यहीं से ले रहे हैं, थैंक यू सो मच, ये लो जी तुहाडी चाह, खाने के साथ चाय का मजा ही कुछ और होता है ना भैया, थैंक यू। मसाला डाला था, आज नहीं डाला मसाला, तो इसी का स्वाद है, यही है मेन। गाइस एक और, ओ थैंक यू चाबी हमारी फिर से रह जाती, थैंक्स, सब रह जाता है, टेस्ट है, बस बस बहुत टेस्टी। सो वी आर इन आवर रूम एंड हमारी प्यारी सी ब्राइट, ब्राइट टू बी आ चुकी है, हेलो। So, कल का फंक्शन कैसा था, गुड, इट वॉज रियली नाइस, वी ऑल एंजॉयड, एंड यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, प्यारे लग रहे थे आप, और आज की लुक होने वाली है लाइक नेक्स्ट लेवल, ठीक है ना, एक्साइटेड, यस, चलो लेट्स स्टार्ट। खुशी जी जाइए जी हेल्प कराने, इनकी डॉटर बड़ी है बहुत, आपके एज ग्रुप में होगी, इनकी डॉटर आपसे भी बड़ी है, वाओ कितनी सुंदर माथा पट्टी है, इसको हल्का सा ऐसे करते हैं, दिखाओ, नहीं नीचे नहीं, हल्का सा झूला आ रहा है, इक्वल होना चाहिए, थोड़ा सा दिखाओ इसको ना, हल्का सा ऐसे, हाँ थोड़ा सा ऐसे झूले की तरह, नहीं सेंटर में नहीं, सेंटर में नहीं, नहीं 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 नहीं, हाँ वही बात, ऊपर करके सही में, ऐसे ब्राइड बनना भी पूरा वो है, ओखा काम। सो ब्राइड इज ऑलमोस्ट रेडी, एंड यहाँ पे है ब्राइड, एंड सामने है इनका फंक्शन, सपोज अभी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, टचअप से नॉल चल रहे हैं, खुशी जी वहाँ पर है, कॉफी टाइम, ये है सामने का फंक्शन, बिल्कुल हमारा रूम हो रहा ऊपर, एंड यहाँ पे फंक्शन हो रहा है, ब्राइड को फोटोग्राफर ले गए एक और जगह पे जहाँ पे शूट्स होने हैं, लाइक अच्छी पिक्चर्स आती है, ब्राइड का दुपट्टा ड्रेप नहीं हुआ है, तो कुलदीप चली गई है, मैं बस अब निकली हूँ, एंड आप देखो मैंने ड्रेस के नीचे बूट्स पहने हुए, इतनी ठंड हो रही है, मैं स्लीपर्स नहीं पहन सकती थी, एंड आवाज पता नहीं आ रही है नहीं आ रही, एनीवेज आई एम गोइंग, एंड वाओ दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल, अंशम तू एडिटिंग कर रहा है मुझे पता है, आई लव यू बेबी,
ये तो डालेगा नहीं, मुझे पता है। So, I love you and I miss you. Actually, I'm missing Anshu. आदत तो चलती है ना। So, I'm like, where are you? मैं सो रही हूँ अकेले, मतलब अकेले नहीं, कुलदीप पसंद बट तू नहीं, but I'm coming soon. So, यहाँ तो चल रहा है भाई ब्राइडल शूट एंड यहाँ पे मिलिए हमारे मेकअप आर्टिस्ट से। So, ये लोग दिल्ली से आए एंड ये ग्रूम के साइड वाले मेकअप्स कर रहे थे। अच्छा लगा मिलके आपसे। अरे अरे नहीं, थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे अब तो, है ना। दोस्तों काम हो चुका है खत्म हमारा, फाइनली हम लोग फ्री है। अब हम जा रहे हैं फिर से भोजन करने, लेकिन उसमें भूख ही नहीं है। हमने डिसाइड किया है हम थोड़े से स्टार्टर्स लेंगे, अपने रूम में ले आएंगे बस, और वो खा के सो जाएंगे। सुबह की ट्रेन है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब, आप बोल दो कुलदीप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब लाइक करो आप सब्सक्राइब ही कर दो यार, और लाइक कर दो वही बहुत बड़ी बात है। सो ट्रेन से करते हैं शुरुआत अगले दिन की। चाय चल रही है, इटालियन सीजनिंग चल रही है। सो भाई ये है चंबल, यहाँ पे चंबल में डाकू छुपे होते हैं, पता नहीं कितनी सच है बट हाँ। हमारी हालत थोड़ी सी खस्ता गाइस, रात को सो तो गए थे, सुबह ट्रेन हमारी 3 घंटे लेट थी, ठंड में उड़ के हमारी कुल्फी जम गई, लेकिन चलो हमने हिम्मत नहीं हारी, इसी बात पे करते हैं चाय। दोस्तों मैं इसमें एक दूध का पैकेट ऑलरेडी ये वाला साशा डाल चुकी हूँ, अब मैं एक और डालूंगी, बिकॉज मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे चाय में दूध ज़्यादा पसंद है। भाई वंदे भारत का लंच भी आ गया है, ये बंदा सो रहा है, मैं खा नहीं सकती, खा सकती हूँ लेकिन क्या ही खाऊंगी, क्या खाऊंगी। ओके सो साक्षी आ गई है वापस, और अच्छा से मैं जा रहा हूँ नीचे उसको लेने, मतलब उसका बैग वैग उठाने। साक्षी आ गई, साक्षी आ गई, साक्षी आ गई। हेलो आगे बैग, ओके बैग उठाऊं। हेलो वेलकम बैक टू वेलकम होम। तेरा मेरा व्लॉग अपना बना के पूरा नहीं, अच्छा जी ये बंदा तेरा बनाया, मैं तो कहीं नहीं, वो क्या है मैं तो घर पे था। थैंक यू सो मच गाइस, इसके साथ करते हैं ब्लॉग को एंड, बाय।